ठीक है, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें M20 कॉन्क्रीट के लिए एक ऑर्डिनरी मिक्स डिजाइन करना है, हमें स्लम्प रेंज दी हुआ 25 to 50 mm, ठीक है, और फाइन एग्रीगेट में बोला है 4% मॉइस्चर है, ठीक है, बाय वॉल्यूम, और ये 30% यहाँ पे बल्किंग है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 30% बिल्डिंग नहीं है, बल्किंग है। कोर्स एग्रीगेट में दिया है 2% ड्राई है हमारा और 2% वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फाइन एग्रीगेट ने बोला है कि 4% मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट है जिसकी वजह से 30% की बल्किंग हो रही है। यूनिट वेट दिया हुआ है हमें, ठीक है, 1800, फाइन का कोर्स का दिया है 1700। वैसे तो हमें M20 मिक्स के लिए पता है 1:1.5:3 होते हैं, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर जो बोला है इसने 30 लीटर बोल लिया इसने, जो उसको रिक्वायर्ड होगा, मतलब ये सब उसने अजम्पशन किया है, ठीक है। आप 50 kg के रेस्पेक्ट में कुछ और अजम कर लो, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो एज्यूम कर लो, बोल लो कि भाई मैंने वाटर अपॉन में सीमेंट रेशियो 0.5 एज्यूम कर ली, या प्रोपोर्शन आप फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का वही एज्यूम कर लो जो आपको पता है 1:1.5:3 वाला, ठीक है, ये सब कुछ आप अपने मर्जी से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सीमेंट के रेस्पेक्ट में, हमें पता है सीमेंट के 50 kg के कट्टे की वॉल्यूम होती है 35 लीटर, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सीमेंट के 50 kg कट्टे की वॉल्यूम होगी, ठीक है, और इसने ये भी माना हुआ है कि ड्राई एग्रीगेट जो है हमारा उसकी टोटल है 250 kg, तो क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना हो गया जो भी हमारा प्रोपोर्शन है उसके डिवाइड बाय 3, तो इसके रेस्पेक्ट में तो हमें मिल गई हमारी जो हमारा केजी जो हमारा वेट है फाइन एग्रीगेट का। अगर फाइन एग्रीगेट को हम डिवाइड कर दें उसकी स्पेसिफिक मतलब जो उसकी यूनिट वेट है उससे हमें पता चल जाएगी वॉल्यूम। अब हमें इसे फाइन चल गया ऐसे हमें कोर्स ही पता चल जाएगा, सेम रेशियो से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 2/3 से करना है, ठीक है, ये हमें पता चल गया हमारा क्वांटिटी ऑफ जितना भी हमें रिक्वायर्ड है, क्या बोल सकते हैं कोर्स एग्रीगेट। हमने लिखा हुआ कि क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कर रखा हमने 30 लीटर, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है हमें बल्किंग के लिए, ठीक है, बल्किंग ऑफ सीमेंट के लिए सैंड का देखा हमें 30 लीटर बोला हुआ, हमने पानी यूज किया हुआ है, ठीक है, तो ये बोला कि अगर 30% की बल्किंग है तो मतलब हमारी 1.3 times अब हमें सैंड रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हमारा जो फाइन एग्रीगेट होगा 1.3 times हमें रिक्वायर्ड होगा। तो जो भी हमने हमारा को फाइन एग्रीगेट निकाला जो यहाँ पे हमने निकाला था इस पेज पे 46 लीटर, उसको क्या करेंगे 1.3 divided by 100, तो 59.8 लीटर हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा फाइन एग्रीगेट। अब हमें बोला हुआ है कि जो सरफेस मॉइस्चर है फाइन एग्रीगेट में वो कितना है 4%, तो हमने जो वाटर कंटेंट निकाल ले रखा है 30 लीटर, ठीक है, उससे हम 4 जो हमारा है 4% जो है हमारा एग्रीगेट में जो प्रेजेंट है उसे माइनस कर देंगे। हमने बोला है कि 2% कोर्स एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा 2%, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसिकली अब आप ये भी ऐसे भी कर सकते थे कि स्टार्टिंग में अब आपको M20 के लिए रेशियो पता है 1:1.5:3, ठीक है, 1:1.5:3 पता चल गया हमें। अब उसके बाद स्टार्टिंग में क्या करते कि हम जितना भी है उसके रेस्पेक्ट में हम जो हमारा सीमेंट का कंटेंट निकालते, या बोलते कि हम 1 m³ हमारा कॉन्क्रीट का मिक्स बना रहे हैं, 1 m³ कॉन्क्रीट के लिए हमें सीमेंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उस रेस्पेक्ट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। बताओ तो इस वाले में एग्जांपल में किसी को डाउट है तभी।
250 kg उसने एज्यूम किया है, उसने कहीं से मतलब निकाला नहीं है, उसने डायरेक्टली एज्यूम कर लिया कि मैं 250 kg ऑफ जो है हमारा कोर्स एग्रीगेट दोनों की क्वांटिटी है वो हम यूज कर रहे हैं फाइन और कोर्स की। हाँ टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट उसने एज्यूम किया हुआ है। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो मैं आपका उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, जो भी दूसरी तरह से कर सकते हैं मैं उसको बता दूंगा, पर अभी एक एग्जांपल और करेंगे आपको दूसरी तरह से पता चल जाएगा। उसको हम डायरेक्ट 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट के रेस्पेक्ट में वर्क करते हैं, कि मान लिया हमने 1 m³ ऑफ कंक्रीट के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, मतलब हमें 1 m³ ऑफ कंक्रीट बनानी है, ठीक है 1 m ऑफ जो हमारा कंक्रीट है, तो 1 m³ के रेस्पेक्ट में हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे सीमेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पहले से पता है कि भाई 1:1.5:3 का फ्रैक्शन होता है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 1:1.5:3, तो 1:1.5 × जो भी हमारी वॉल्यूम है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को उससे क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि सीमेंट हमारी कितनी वॉल्यूम यूज हो रही है। अब हमें ये पता हो गया कि हमारी सीमेंट की वॉल्यूम कितनी है, अब हमें ये पता चल गया कि 50 kg में 35 L की वॉल्यूम होती है, तो जितनी लीटर हमने वॉल्यूम निकाली है उसके रेस्पेक्ट में हम वेट भी निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमने ये आ गया, उसी तरह से हम कोर्स और फाइन का निकाल लेंगे, और उसके बाद हमारा सिर्फ वाटर कंटेंट बचा हुआ है, तो वाटर कंटेंट एज्यूम कर लेंगे क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब साइड में हमें फाइन एग्रीगेट की बल्किंग के लिए भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, अगर मान लो 1% मॉइस्चर कंटेंट है तो हमें बल्किंग के लिए 16% हमारा फाइन एग्रीगेट इंक्रीज करना पड़ेगा, और जिसमें से 6% कोर्स होना चाहिए। अब वाटर एब्जॉर्प्शन बाय एग्रीगेट है, उसके लिए भी हमें जो है हमारा जो है पानी के मतलब जो पानी प्रेजेंट है पहले से, वाटर जो पहले से प्रेजेंट है उसके लिए हमें जो हमारा वाटर रिक्वायर्ड है वो कंटेंट हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर हमारा जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा कोर्स एग्रीगेट तो वाटर कंटेंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। वर्केबिलिटी के रेस्पेक्ट में हमें वाटर कंटेंट का वेरिएशन करना पड़ता है, स्लंप के रेस्पेक्ट में भी वाटर कंटेंट का वेरिएशन होता है, अगर जो स्लंप की वैल्यू अगर 50 mm से ज्यादा होगी तो हर 25 mm के लिए 3% ऑफ वाटर कंटेंट इंक्रीज करना पड़ता है। ये भी मैं बताता हूँ आपको, ये डिफरेंस दिया है नॉमिनली और कंट्रोल्ड कंक्रीट मतलब डिजाइन मिक्स में। ठीक है, जैसे हम एक कॉन्क्रीट मिक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए उसे डिजाइन कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम M30 के लिए बना रहे हैं, M40 के लिए बना रहे हैं, M50 के लिए बना रहे हैं, M60 के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में उसकी लिमिटिंग वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होती है। लिमिटिंग वाटर सीमेंट रेशियो कहने का मतलब है कि भाई हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसकी एक्सपोजर कंडीशन की रेस्पेक्ट में IS 456 में उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो दी हुई है, मतलब जैसे माइल्ड अगर कोई बार एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड कहने का मतलब है सिर्फ बार बारिश होती है थोड़ा बहुत ये होता है, तो उसकी वजह से कोई बार जो एक्सपोजर है उसे माइल्ड एक्सपोजर कहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितनी वाली है 0.6 और मिनिमम
हाँ मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इसमें बोली है 0.55, मतलब मैक्सिमम वाटर सीमेंट रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए 0.55, और प्लेन कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट इसमें रीइंफोर्समेंट यूज नहीं कर रहे उसके लिए 0.6, ठीक है। और मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी दिया हुआ, इस तरह से एक टेबल है एक्सपोजर कंडीशन के रेस्पेक्ट में, कि हम कितनी कॉन्क्रीट या सीमेंट कितने रिक्वायर्ड है और वाटर सीमेंट रेशियो कितनी मैक्सिमम रख सकते हैं IS 456 से कंसिडरेशन से, ठीक है। उसके बाद में लिमिटिंग वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गया, मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी पता चल गया। अब हम कौन से मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करें, ये तो आपको साइट कंडीशन पे पता चलेगा कि भाई हम बोले हम 10 mm का यूज कर रहे हैं, 20 mm का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसके लिए भी एक टेबल है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कि भाई स्टार्टिंग की जो हमारी पहली दो कॉन्क्रीट है M10 to M15, उसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। फिर M20 to M25 के लिए 4 होता है, और M30 के अबव जो होती है उसके लिए 5 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है, मैंने इस तरह समझाया था आपको, कि स्टार्टिंग में हम कंक्रीट डिजाइन कर रहे थे, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ले रहे थे, तो हमने वो स्ट्रेंथ ली जो 5% जो हमारे रिजल्ट है उससे कम की जो वैल्यू है, ठीक है। हमने ये वाली स्ट्रेंथ ली, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि मतलब जो कितना डेविएशन है जो मीन स्ट्रेंथ से कितना डेविएशन है, मतलब जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी। मान लो आप M30 के लिए, अगर यहाँ पे 30 है तो जो मीन स्ट्रेंथ है ना, ये कितने वेरिएशन होगा, कितने पे हमारा मीन आएगा, मतलब जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगी उसके लिए कितना पे आएगी वैल्यू। तो ये इन दो कॉन्क्रीट जैसे मान लो यहाँ पे है 30 है और यहाँ पे हो गई 35, तो कहने का मतलब है दोनों के बीच में 30 और 35 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 न्यूटन पर mm², तो ये हमारा एवरेज स्ट्रेंथ से कितना डेविएशन है 5 न्यूटन पर mm² का। मतलब कहने का मतलब है कि M30 से जो भी अबव कॉन्क्रीट होगा उनके बीच एवरेज और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बीच की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 न्यूटन पर mm². ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पहले बता देता हूँ, आपके सिलेबस में सिर्फ है डिजाइन मिक्स क्या होता है और हमारा ये क्या होता है स्टैंडर्ड मिक्स क्या होती है, इसकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। उसके ऊपर से आपके इस सिलेबस में और कुछ नहीं है, डिजाइनिंग नहीं है आपके, ये सब एक्स्ट्रा चल रहा है। ना ही आपके ये है कि भाई जो मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट मिक्स का, ठीक है। बस आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है कि भाई कि हमारे ऐसे कौन सा कोड यूज होता है 10262, उसके रेस्पेक्ट में हम डिजाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में हमारी मीन स्ट्रेंथ निकालेंगे। मीन स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है FM+ FM+ F minimum+ KS। मिनिमम कौन सी है, जिस स्ट्रेंथ के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, M30 के लिए डिजाइन कर रहे हो। K क्या है, हम अगर 95% जो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेते हैं उसके लिए इन दोनों के बीच की जो मतलब लेंथ के बीच में जो वेरिएशन है, लेंथ के बीच में इन दो टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू के बीच में डिफरेंस नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, 30 to 35 आ रहा है, ठीक है। और ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 1.65 होता है, ठीक है। ये 30, ये 35, ये वाला डिफरेंस है इसमें, ठीक है। इससे वैल्यू आती है हमारी मीन स्ट्रेंथ, जिसके लिए हम डिजाइन होती है हमारी कंक्रीट। वैसे तो हम डिजाइन करें M30 के लिए, पर लेकिन ये होता है कि 28 डेज पे इतनी स्ट्रेंथ तो गेन करनी चाहिए हमारी जो कंक्रीट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बना किसके लिए, 38.25 के, लेकिन हम वर्क कितने पे कर रहे हैं, 30 के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में पता चल गया हमें, टाइप एंड मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम मान लो 10 mm यूज करें, मैक्सिमम साइज का 20 mm का यूज करें, उसके रिस्पेक्ट में वाटर सीमेंट वाटर कंटेंट का वेरिएशन भी होता है। देखो एक ये भी टेबल है कि अगर 10 mm का अगर हम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट हो जाए 208 kg/m³, मतलब 208 kg चाहिए पर मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट बनाने के लिए। अगर 20 mm यूज कर रहे हैं तो 189। अभी देखो भाई, देखा कि जितना ज्यादा हम कोर्स एग्रीगेट करते जा रहे हैं उतनी वाटर कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है।
अभी तक सबको समझ में आ रहा है कि मतलब हमने किया क्या है, चार टेबल की वजह से हम सारा सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले टेबल में हमने अज्यूम किया कि हमारी M30 कॉन्क्रीट जो हम यूज करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो भी हम कॉन्क्रीट के लिए काम करें वर्केबिलिटी कितनी ले रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो लिमिटिंग कितनी है, हमारी एक्सपोजर कंडीशन क्या है इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और टाइप और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम कौन सा यूज कर रहे हैं और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, सब आपको टेबल में मिलेगी। अब इसने बोला आपको डाटा दिया हुआ है कि हम M30 के लिए डिजाइन करें, टाइप ऑफ सीमेंट की जो ग्रेड है 43 ग्रेड यूज करें, तीन तरह की ग्रेड होती है 33, 43, 53, 33 कहीं यूज नहीं होती है, 43 और 53 होती है। अब फाइन एग्रीगेट का जोन, जोन टू का मतलब यही है कि मतलब जोन टू के रेस्पेक्ट में हमारी कोर्स एग्रीगेट और हमारा टोटल एग्रीगेट के बीच में रेशियो कितना होगा, इसके लिए भी एक टेबल गिवन है। हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है 3.15, ये सब पता है आपको। फाइन एग्रीगेट की इसने स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.61 दी हुई है इसने, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की 2.65, 10 mm के लिए 2.66, ये दो दी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एफ मिनिमम प्लस के इंटू एस, एस है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और M30 के लिए डिजाइन करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसके लिए डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, 38.25 मेगा पास्कल के लिए, मतलब 38.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, इसने वो नहीं बताया कि हमारा एटमोस्फेरिक क्या है, मतलब एक्सपोजर कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिजाइन मेरे पता चल रहा है उस डिजाइन करा एक्सट्रीम के लिए, एक्सट्रीम केस के मतलब जहां पे आपका जो है आपका सी बेस आप कोई भी बना रहे हैं, मतलब पानी, मतलब जो भी आपका कंक्रीट बना रहे, एक्सट्रीम केस का मतलब होता है जो भी आप कंक्रीट बनाए और जहाँ पे यूज कर रहे हो वो सी से सी के अंदर यूज हो रहा हो, या फिर उस पर बार बार स्प्रेइंग ऑफ जो हमारा क्या बोल सकते हैं सी वाटर हो, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। उसमें बोला हुआ है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितनी रखनी है 0.4 और मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए 360 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है वाटर कंटेंट का कैलकुलेशन, ठीक है, वाटर कंटेंट का कैलकुलेशन करते हैं और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे वाटर कंटेंट बताएंगे। तो हमने इसने बोला M20 20 mm का मैक्सिमम साइज यूज कर रखा है, तो इसने मैक्सिमम वाटर कंटेंट ले लिया 189 केजी पर मीटर क्यूब। अब ध्यान रखना 50 mm के ऊपर हर स्लैम्प की वैल्यू जो 25 mm इंक्रीज होगी उस पर 3% ऑफ वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है, ये सब आपके IS कोड में दिया 10262 में। अब मेरे को पता चल गया कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.4, अब मैंने मैक्सिमम वाटर कंटेंट ले लिया 189 केजी पर मीटर क्यूब, तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा सीमेंट कंटेंट। अब मेरा सीमेंट कंटेंट आया 475 केजी पर मीटर क्यूब, और देखा मैंने यहाँ पे मेरा मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है जो होना चाहिए मेरे इस कंक्रीट को एक्सट्रीम कंडीशन में आने के लिए 360, मेरा कितना था, मेरा था 475, मतलब मैं कह सकता हूं कि मैंने जो लिया है वैल्यूज एकदम सही ली है, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने बोला मेरा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है 20 mm, और उसके लिए कौन सा यूज कर रहा हूँ जोन टू। जोन टू कहने का मतलब है कि मैं इस जोन में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की रेशियो कितनी होगी, ये जोन डिफाइन करते हैं फाइननेस मॉडुलस का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके रेस्पेक्ट में। तो इसमें दिया है कोर्स एग्रीगेट टू अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितनी है 0.62, तो ये हम ले लेंगे वैल्यू 0.62, ठीक है। अब एक चीज और समझना, अब ये एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है ये, तो वैसे बता देता हूं क्या है। मतलब V का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में क्या क्या होगा, एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, एक वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, एक वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट,
प्लस आप एयर वॉइड्स कंसिडर करो तो टोटल 5 चीजें होगी। ठीक है, किसी को डाउट है इस चीज में कि ये 5 चीजें होगी या नहीं होगी? मतलब हम कंक्रीट डिजाइन में करेंगे तो उसमें एक तो सीमेंट होगी, एक वाटर होगा, एक फाइन एग्रीगेट होगा, एक कोर्स एग्रीगेट होगा, ठीक है, और एक हमारा होगा एयर वॉइड्स। ठीक है, ये 5 चीजें ही होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हमें इसने बोला हुआ है IS 10262 के रेस्पेक्ट में, अगर आप 20 mm की जो आप एग्रीगेट मैक्सिमम साइज यूज करते हो तो उसमें 2% ऑफ जो आपकी कॉन्क्रीट है उसकी वॉल्यूम का वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, एयर वॉइड्स। तो 2% वॉल्यूम कितनी होगी? एयर। तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 0.98 V करके रेस्पेक्ट में वर्क कर सकते हैं, मतलब 2% वॉल्यूम ऑफ एयर मैं रिड्यूस करके उस रेस्पेक्ट में वर्क कर लूं, या मैं यहाँ पे VA करके भी रेस्पेक्ट में काम कर सकता हूं। ये 1000 ml के कन्वर्ट करने का, लीटर में कन्वर्ट करने का है उस रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 1 - 0.02 कर लिया, क्योंकि 2% हमारी क्या थी, जो एयर प्रेजेंट थी, 189 kg/m³ की हमारा मैक्सिमम हमने वाटर कंटेंट लिया था, 475 डिवाइड बाय मतलब सीमेंट का हमने वेट ले लिया, डिवाइड बाय उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3.15, ये हमारा आ गया वॉल्यूम। फिर हमें पता है कि कोर्स एग्रीगेट का रेशियो कितना था, 1/0.62 कर दिया, जिसमें कोर्स और फाइन दोनों की वैल्यू ले ली। ठीक है, C/2.652, इससे हमारे कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने फाइन एग्रीगेट की वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली, उसे हमें फाइन एग्रीगेट आ गया। ठीक है, और ये हमारी क्वांटिटी आ गई एट लास्ट। ये हमने इस तरह से प्रोपोर्शन निकाले हैं। अब उसके बाद में एडजस्टमेंट कर रखी है कि भाई कोर्स एग्रीगेट में फील्ड मॉइस्चर पानी में पहले से प्रेजेंट है या सीमेंट ने या कोर्स एग्रीगेट में पानी एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए वाटर रिडक्शन या वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, ये सब उस चीजों का। इस तरह से हम डिजाइन करते हैं कोई भी कॉन्क्रीट का मिक्स, उसके रेस्पेक्ट में हम जब जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हम क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो का वेरिएशन करते रहेंगे, उसके रेस्पेक्ट में हमारा सीमेंट कंटेंट कितना रिक्वायर्ड है या वाटर कंटेंट कितना रिक्वायर्ड है उसके रेस्पेक्ट में हम वर्क करते रहते हैं। ऐसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड है एक तरह से। सेम एग्जाम्पल एक IS 10262 में दिया हुआ। मतलब इसमें दिया हुआ सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल, हम मीन कैरेक्टरिस्टिक कितने, उसके बाद हम वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट करेंगे, ये IS 456 से करेंगे। इसमें दिया हुआ कि टेबल 5 ऑफ द IS 456 यूज होगी वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर वाटर कंटेंट का सेलेक्ट करेंगे, इसमें ये भी बताया हुआ है कि स्लम्प रेस 25 to 50 mm के, और उसके बाद हर 20 मतलब 25 mm के इंक्रीज के लिए हमें जो वाटर कंटेंट है 3% का इंक्रीज करना पड़ेगा। ये भी दिया हुआ है इसमें, मतलब द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट में बी एस्टेब्लिश बाय ट्रायल और इंक्रीज बाय अबाउट 3% फॉर एवरी एडिशनल 25 mm स्लम्प। ठीक है, ये बताया हुआ यहाँ पे। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में इसने मैक्सिमम वाटर कंटेंट बताया हुआ, फिर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन फाइन एग्रीगेट बताई हुई, ये 4-5 टेबल जो हम यूज करते हैं। हाँ, वो बाद की बात है कि भाई वाटर कंटेंट जो है हमारा थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। अब आपके प्लास्टिसाइजर का वेरिएशन मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्लास्टिसाइजर का वेरिएशन आपके कोई काम का भी नहीं, जैसे इसमें डिजाइन किया हुआ है M40 के लिए। M40 के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं,
और हमारे को सीमेंट दी हुई है 43 ग्रेड की, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हमें 20 mm है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमने मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी निकाल लिया 20 kg, 320 kg/m³, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो निकाल ली 0.45। ठीक है, वर्केबिलिटी के लिए हमने बोल लिया हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए काम करें, हमने स्लम्प ले लिया 50 to 100 के बीच, 52 वैसे 150 के बीच में वेरिएशन होता है, तो हमने 100 mm ले लिया। एक्सपोजर कंडीशन हमारी सीवियर थी, तो सीवियर के रेस्पेक्ट में हमने वाटर सीमेंट रेशियो भी ले ली और मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी ले लिया। कंक्रीट प्लेस कैसे कर रहे हैं, पंपिंग से, तो इसके लिए वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ती है पंपिंग के लिए, तो एक बार ये आप चीज मत ही कंसीडर करो पंपिंग वाला। आप बोलिए क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, अच्छा है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, 450, मिनिमम सीमेंट भी पता चल गया, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट भी पता चल गया। अब इसने बोला हम प्लास्टिसाइजर भी यूज करेंगे, तो आप प्लास्टिसाइजर यूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसने टेस्ट डाटा भी दे दिया मटेरियल का, कि सबसे कि कितनी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कौन कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसने सरफेस मॉइस्चर बोल लिया सब में 0-0 है। अब कोर्स एग्रीगेट और उसका फाइननेस मॉडुलस का ही बता दिया, जिसके रेस्पेक्ट में इसने बोल दिया कि फाइन एग्रीगेट जोन फर्स्ट का है। ठीक है, ये फाइननेस मॉडुलस से पता चलता है, मतलब आपने फाइननेस मॉडुलस का आपका डाटा निकाल लिया, तो जो भी वेट रिटेन्ड हुआ है ना, ठीक है, जो भी वेट आपका रिटेन्ड हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, नहीं वेट IS 383 में वेट ऑफ पासिंग के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, हमने वेट ऑफ रिटेन के रेस्पेक्ट में काम किया, तो अब वेट ऑफ पासिंग उसमें 100 माइनस करके कर लोगे, तो उसके रेस्पेक्ट में चार टेबल दी हुई है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, तो आप अपना डाटा मैच करके देखोगे कि किसके रेस्पेक्ट में मेरा डाटा ज्यादा मैच कर रहा है, जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में या जोन 4 में। ठीक है, तो वो आपका जो है आपका क्या दे देगा, जोन आपको बता देगा। ये सिर्फ फाइननेस मॉडुलस के टेस्ट से ही पता चलता है कौन सा जोन होगा। फिर हमने 1.65x करके टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल ली, FC के हमारा 40 है, 1.65 × 5 करेंगे तो 48.25 Nm² आ गया। इस तरह से हमारा वाटर कंटेंट है, तो 3% का इंक्रीज कर रहे थे हम 25 mm स्लम्प के लिए, तो 50 mm स्लम्प के लिए 6% इंक्रीज हो जाएगा। हमें सीमेंट कंटेंट पता है, ठीक है, वाटर मतलब वाटर रिक्वायर्ड कितना पता है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे 350 से। अब हम क्या हो रहा है कि इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर का ही बोला हुआ था, हम वो नहीं कंसिडर करें, हम डायरेक्ट बोल देते हैं 197 को डिवाइड कर लिया हमने 0.4 से, तो हमारी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा सीमेंट कंटेंट आ जाएगा। फिर हम ये देख लेंगे कि हमारी मिनिमम सीमेंट कंटेंट से कम है या ज्यादा है, ठीक है, और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट से कम होनी चाहिए। दोनों से कंसिडर कर लिया, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में बोल दिया, उसके रेस्पेक्ट में हमने जैसे अब हमने 1 m³, अब हमने यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की रेशियो भी निकाल ली और सिमिलरली फाइन एग्रीगेट की भी निकाल ली, वो हम उससे कर सकेंगे, वो जो हमने फॉर्मूला बताया था। और फिर इसने सारा जो है ये वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया और आंसर ले लिया। अब बताओ किसी को डाउट है, ये आपके वैसे कोई एग्जाम्पल कोई भी आपके नहीं है आपके सिलेबस में, पर ये आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि कैसे एकदम आप कभी डिजाइनिंग का कोई पूछे तो कैसे होती है। अब किसी ने कॉलम कवर पूछा था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कॉलम कवर आप कहना क्या चाहते हो, कि कवर जो आप रीइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हो या कॉलम कवर किस चीज के लिए। देखो 1.65 होता है 95% प्रोबेबिलिटी के लिए वैल्यू, ठीक है, 98% के लिए अलग होती है, 99% के लिए जो है ये स्टैंडर्ड, ये उससे पता चलती है ये आपकी, कि आपका ग्राफ किससे रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइन्टी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी होनी है कि अपन 5% पे मान रहे कि हमारी जो कंक्रीट है वो पूरी स्ट्रेंथ गेन कर रही है। ठीक है, और किसी ने यही पूछा था फ्लक्स क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है। देखो फ्लक्स वो होता है जो क्या करेगा, खुद कंज्यूम हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या होगा कि एक एक्सेलरेटिंग एजेंट होता है जो खुद कभी कंज्यूम नहीं होता है और जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फ्लक्स क्या होता है, जो भी आपकी रिएक्शन होगी उसमें खुद भी कंज्यूम हो जाएगा और आपका बेसिकली जो भी एंड प्रोडक्ट है उसको, मतलब जो भी आपको एंड प्रोडक्ट रिक्वायर होगा उसके लिए
मतलब पूरा वो खुद कंज्यूम हो जाएगा जो रिक्वायरमेंट होगी उसके रेस्पेक्ट में। दोनों ही आपकी जो रिएक्शन होता है उसको कोई किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, फ्लक्स आपका पार्ट है, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ऐड करें वो भी फ्लक्स ही एक तरह से, मतलब वो क्लिंकरिंग टेम्परेचर जो है आपका, मतलब जो क्लिंकर फॉर्मेशन का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों एक तरह से रिएक्शन को किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस से कर रहे हैं इस वाले केस में Al2O3 में, वैसे कैटलिस्ट काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा, वो रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में वर्क करता है। लेकिन कभी भी जो कैटलिस्ट होगा वो खुद कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन फ्लक्स जो है वो खुद कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब कॉलम कवर जो आप पूछ रहे हो, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि आप रीइन्फोर्समेंट वाला कॉलम कवर पूछ रहे हो या कौन सा वाला कवर पूछ रहे हो। देखो, रीइन्फोर्समेंट का एक कवर होता है, जो भी आप रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड को एटमोस्फेरिक एजेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कंक्रीट का एक कवर प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी कंक्रीट की जो भी स्ट्रेंथ होगी ना, जो भी आप कंक्रीट एक क्या बोलते हैं बनाने में आप यूज दे, तो इसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ दोनों भी सेम होगी। मतलब ये नहीं होता कि कवर बाद में लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। रीइन्फोर्समेंट लगा दी उसमें सीधी कॉन्क्रीट भर देते हैं, तो ये नहीं होता कि कवर के रेस्पेक्ट में बाद में कुछ वर्क होता है। हाँ, रीइन्फोर्समेंट वाला कवर वो सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता कि उसमें, कि भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई बीच में हम सरिये के अंदर अलग कॉन्क्रीट भरेंगे और सरिये के इधर वाले में बाहर में अलग कॉन्क्रीट भरेंगे ना। जो सरिया एकदम आपने रीइन्फोर्समेंट लगा ली उसके बाद में टाई अप कर ली। कॉलम के लिए यहाँ 20, 25, 40, 75, हाँ सही है, 40 mm यूज कर सकते हैं आप। स्लैब के लिए होता है, बिल्डिंग के लिए 25 होता है, कॉलम के लिए आप 40 यूज कर लो, फाउंडेशन के लिए 75 ऐसा कुछ होता है, या उससे कम भी यूज हो सकता है। बाद में निकालते कैसे होंगे कवर, कवर को बाद में नहीं निकालते, कवर को पहले हम एज्यूम करते हैं कि भाई हम इतना कवर ले रहे हैं नी इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, जो भी हमारा हम उसके लिए मोल्ड जो बनाएंगे हमारे कॉलम के लिए उसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे, जैसे जिस रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो हम 350 x 350 का एक कॉलम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 40 mm का स्पेस जो है रीइन्फोर्समेंट के लिए छोड़ देंगे, मतलब वहां पे सबसे पहले उतने में अंदर में रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हम जो कॉलम के लिए मोल्ड लगाएंगे वो 50 mm जो है उससे 40 mm दूर लगाएंगे, ताकि हमारे जो रीइन्फोर्समेंट का है वो कवर भी आ जाए। तो ये रीइन्फोर्समेंट होगी, तो इतना जो है 50 mm का कवर हम उसके लिए छोड़ रहे हैं। बेसिकली एटमोस्फेरिक एजेंट के लिए रीइन्फोर्समेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कवर होता है। शटरिंग और रीइन्फोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस, हाँ ये भी कह सकते हो शटरिंग और रीइन्फोर्समेंट के बीच में डिस्टेंस। शटरिंग वही होगी एक तरह से जो आप मोल्ड बना रहे हो कॉलम के लिए, बीम के लिए, किसके लिए भी, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर बोल देंगे। तो इसमें बस ये नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट होगी, सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा। अब बताओ कुछ और। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले नॉमिनल मिक्स क्या होते हैं, डिजाइन मिक्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मिक्स डिजाइन में कौन कौन से फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करती है, वर्केबिलिटी करती है, वाटर कंटेंट करता है, सीमेंट कंटेंट भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि IS 102-262 के रेस्पेक्ट में अलग अलग वाटर कंटेंट होता है, एग्रीगेट के साइज के रेस्पेक्ट में होता है, क्वालिटी कंट्रोल के रेस्पेक्ट में होता है, स्लंप की वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है। अब आपको ये पता चल गया कि इन इन रेस्पेक्ट की वैल्यू में ऐसे ऐसे वेरिएशन होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई बोल दे भी आपको डिजाइन करने को स्ट्रेंथ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम एक कॉन्क्रीट की टारगेट मीन स्ट्रेंथ मानेंगे, उसके रेस्पेक्ट में वाटर सीमेंट रेशियो हमारे IS 456 से देखेंगे एक्सपोजर कंडीशन के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद में हम वाटर सीमेंट रेशियो और एक्सपोजर कंडीशन से मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, मतलब उसके बाद हम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में वाटर कंटेंट निकालेंगे, फिर उस वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में हम हमारी सीमेंट का जो है सीमेंट कंटेंट कितना है वो निकालेंगे, फिर
सीमेंट कंटेंट निकालने के बाद में उस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में हम ये निकालेंगे कि हमारा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट कितना यूज हो रहा है। तो इस रेस्पेक्ट में आप कुछ तो उसे बता सकते हो और इसमें कुछ रेस्पेक्ट में कुछ स्टेप्स तो लिख सकते हो। ये आपके पेज नंबर 101 पे कुछ स्टेप्स दिए हैं इसी के IAS 10262 वाले आपके बुक में। अब कोई डाउट है किसी को? मैंने आपको जो है आपके असाइनमेंट डाल दिए हैं, 5 असाइनमेंट है आपके, तो आपको करीब मैंने 10 तारीख से पहले पहले आपको कंप्लीट करने हैं सारे असाइनमेंट। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि असाइनमेंट डाल दिए हैं, असाइनमेंट डाल दिए हैं, चाहे इसकी आवाज ब्रेक हो चाहे कुछ ही हो, ठीक है?